वागीशजस्व बदने लक्ष्मीर्जस्व च बक्षसि जसास्ते हृदय संवित् त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कैवल्य नरकायते तिदस पूर्व आकाश पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रियो काल सर्प पठिर प्रोत्खात दंष्ट्रायते विधि महेन्द्राद्रिश्च कीटायते विश्वम पूर्ण सुखायते जत्करुणा कटाक्ष वैभवतम तम गौरमेव स्तमः। कैवल्य नरकायते तिदस पूर्व आकाश पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पठिर प्रोत्खात दंष्ट्रायते विधि महेन्द्राद्रिश्च कीटायते विश्वम पूर्ण सुखायते जत्करुणा कटाक्ष वैभवतम तम गौरमेव स्तमः। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपादजी ने बताएं, ये जड़ जगत एक यंत्रणामय परीक्षा स्थल है। शिशिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने बताएं, ये जो जगत है ये यंत्रणामय टिपिकल यंत्रणामय परीक्षा स्थल है। इसी परीक्षा में जो पास हो जाए उसका लिए कुछ अमृत बोल के कुछ चीज है। शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने बताएं, बद्ध जीवों का सामने अगर कोई वास्तव आदर्श जलंत कोई आदर्श नहीं रह जाए तो बद्ध जीवों का अंदर भजन के लिए कोई प्रेरणा नहीं मिलती है। बद्ध जीवों का सामने एक बड़ा आदर्श होनी चाहिए, गुरु वैष्णव का देख जिसको देख के हमारा प्रेरणा मिले तब हम भजन कर सके। काल या परशु इस बात को उठाए थे, इस जगत का क्या हालत है। युधिष्ठिर महाराज जी बगुला रूपी धर्मराज का सामने ये जो उत्तर दी प्रश्नों का, किम आश्चर्यम, बहुत सारे क्वेश्चन है। हे राजन, इस जगत में सबसे सबसे ज्यादा आश्चर्य क्या है, व्हाट इज अ सरप्राइज। युधिष्ठिर महाराज ने बताए, अहन्नानि भूतानि गच्छन्ति हो जमालयम् शेषां स्थावरमिच्छामि किमश्चर्यमते परमम्। अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति हो जमालयम्। दिन भर एक एक करके राम नाम सत्य है बोल के जा रहा है, सब जा रहा है एक एक करके, लेकिन किसी का होश नहीं है। युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे हैं कि इससे बढ़कर आश्चर्य कौन होता, क्या हो सकता। अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यो जमालयम् अशेषम, जो रोग रह गया अभी भी मरा नहीं, वो सोचता है मेरा क्या होगा, वो तो ठीक है हमारा। ऐसा दो दिन पहले भी ये बात उठाई थी, मौत बोल के जो चीज एक है वो अगर किसी का हृदय में वास्तव अनुभव के साथ प्रकट हो जाए, उसका जितना सारे बदमाशी जितना सारे पॉलिटिक्स सब बंद हो जाएगा, सब रेडी, जितना सारे पॉलिटिक्स कर रहा है बदमाशी कर रहा है सब बंद। अगर ये अनुभव में आए हमारा मौत क्या चीज है, उसका आमना सामना हो जाए, मौत ऐसा चीज है विथ रियलाइजेशन डायरेक्ट, ये अनुभव में नहीं आता। ये माया देवी का प्रसाद है, सुंदर प्रसाद, ये माया देवी का सुंदर प्रसाद है जिससे उलझे हुए हैं सारे आदमी। उस दिन एक बात उठाए,
क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का बारे में चर्चा करने जाए तो पहले ही ये भूमिका जरूरी है, बैकग्राउंड। वायु पुराण में एक श्लोक है, आची नोति जो स्वास्थ्यार्थम स्वयं आचरे, आची नोति जो स्वास्थ्यार्थम स्वयं आचरे स्थापयतोपि स्वयं आचरते जस्मात् आचार्य स्तेन कीर्तिता। जो बात उठाए सामने, एक जला हुआ आदर्श ना देखे तो बद्ध जीव को भजन में प्रेरणा नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगी, संभव नहीं। इसलिए ये श्लोक का चर्चा जरूरी है। साधु गुरु वैष्णव में ऐसा पावर होता है, भजन का पावर, ही कैन इनकालकेट इनसाइड योर हार्ट, ही कैन इंस्टॉल भक्ति। जितना सारा सिद्धांत तो है तुम्हारा हृदय में स्थापन करना, वो उसका लिए कोई बात नहीं। और जो आचार्य जो इस काम में जितना बड़ा आगे बढ़ा वो उतना बड़ा सक्सेसफुल आचार्य। समझा मेरा, ध्यान से सुनना, सुनने वाला है ही नहीं कोई। जो आचार्य जो इस काम में जितना कामयाब हुआ वो सक्सेसफुल है, माने अपना जो जीवों को चेंज करना, उसका अंदर में भक्ति भाव पैदा करना, इसमें जो कामयाब है, ये बड़ा अद्भुत बात है। चैतन्य महाप्रभु का चर्चा करने का पहले ये सब जरूरी है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु साक्षात परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण। महाप्रभु को पता है इस दुनिया में अगर हम आचार्य बन के ना जाए, साधु बन के ना जाए, आचरण करके ना दिखाए, तो कोई सीख नहीं सकता। अपनी आचार्य धर्मो लोकर सिखाए, अपनी ना आचार्य धर्मो ना सिखानो जाए, चैतन्य चैतामित में महाप्रभु का भाव है। मैं अगर खुद जाऊँ भक्त बन के दिखाऊँ कैसे आचरण करना क्या है, तब ये लोग सीखेगा, नहीं तो हमारा लेक्चर के द्वारा कुछ होने वाला नहीं, तो क्या करें। ठाकुर जी आया है उसका पीछे बहुत सारे कारण हैं, समझने वाला बोलने वाला जगत में आश्चर्य वक्त्या कुशल लब्ध्या। उपनिषद में बताया कि आज का हालात उसको पता था, तो पहले ही बता दिया। आश्चर्य वक्त्या अश्व वक्त्या कश्य वक्त्या, एब्सोल्यूट ट्रूथ का वक्ता ऑलमोस्ट नील जगत में नहीं है, ऑलमोस्ट नहीं है, नहीं है बोलने से होगा ना, ऑलमोस्ट नहीं है, एकदम एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में बताए, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए उपनिषद में बताएंगे जो आश्चर्य वक्त्या कुशल अवशल अध्या, अगर कोई वक्ता मिला भी है, चलो हो गया एक वक्ता मिला दो चार धरती पे, लेकिन इसको लेने वाला नहीं है बिल्कुल, ले मना नहीं। आश्चर्य वक्त्या कुशल अवशल अध्या नहीं है। परम चेतन वस्तु चैतन्य चंद्र भगवान परात्पर अखिलेश्वर इस जगत में आके कोई राजनीति सिखा नहीं दिया, पॉलिटिक्स नहीं सिखा दिया। सबसे गहरा चीज़ है, पहला दिन ही हम बताया था, देर इज वन सिंगल सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट तो सिंगल ही होता है, यहाँ तक कि हमको छोड़ दो, सारा पृथ्वी का जितना सारे हेगल से लेकर जितना सारे बड़े बड़े दार्शनिक है, सब कोई का दिमाग में एक चीज आया, कैंट हेगेल हु नॉट, सबका दिमाग में आया तो चलो हमारा लगता है कि टोटल यूनिवर्स का देर इज वन सिंगल सेंटर पॉइंट देयर। वो लोग ने विचार करके लिखा, हमारा लगता है अनंत ब्रह्मांड इसका कोई केंद्र बिंदु है, नहीं तो हो ही नहीं सकता। इसी बात को पहला दिन उठाया, किस लिए उठाया, हमको जानकारी था क्या होने वाला, भगवान का सेवा के लिए आए हैं मठ में, मठ में आए हैं ना, मठवास मतलब सात्विक वास। भगवान श्री कृष्ण ये सब उद्धव जी को उत्तर दिए, सात्विक वास क्या है, राजस वास क्या है, तामस वास क्या है, सब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इसलिए बताया था, वो जानता है हमारा दिल का गंदगी,
इसीलिए भक्तिविनोद ठाकुर जी ने पहले बता दिया, 150 साल पहले, मठ मंदिर दारान बारी ना करो प्रयास, मठ मंदिर दालान बारी ना करो प्रयास, कोई मठ मंदिर दालान बारी बनाने का कोशिश मत करो, ये तुम्हारा बस का काम नहीं, तुम बनाओगे तुम उसका पीछे खत्म हो जाओगे, तुम्हारा इतना पावर नहीं है। कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति मठ बनाने जाए वो फांसी का फंदा बन जाएगा। जब भी भागवत में भगवान खुद बताएं मन मंदिर करे दिरम, ये भक्ति में देखो हमारा मंदिर बनाना दीर करके बहुत सुंदर, ये ठाकुर जी का आदेश है। लेकिन ठाकुर जी का आदेश का पीछे क्या रहस्य है ये भक्ति में ठाकुर जानता है, नहीं तो किसलिए बता दिया, मठ मंदिर दलान बाड़ी ना करो, तुम करने जाओ तुमको लोगों का पीछे ऑयल लगाना पड़ेगा, और ऑयलिंग करोगे जिंदगी में जितना मठ बनाओ तुम्हारा प्रचार हो नहीं पाएगा, तुम खुद भी डूबोगे सब डूबेगा, कुछ नहीं होने वाला। अपना सोसाइटी का अपना मठ का शिक्षा खोटा है फिर भी अच्छा है, हमारा गुरुजी का छागल का बुद्धि, उल्लू का पठा का बुद्धि, कौन कौन सिखाया है सब, साधु का कोई कैटेगरी नहीं होता, ये मठ का है वो मठ का है, तो श्रील माधव गोस्वामी महाराज का समाधि क्यों रचाया इधर, जो श्रील माधव गोस्वामी महाराज ने जितना गुरु भाइयों को बुलाया आओ हरी कथा बोलो, क्या तो पॉलिटिक्स था, क्यों बोला था वो महापुरुष, उसका सिद्धांत तो नहीं ले पाए आप, बैठ बैठ के सब कर रहे हैं सब, महापुरुष का विचार को देखो, सारे गुरु के सब गोस्वामी कट्टोर बोलने वाला, आओ गुरु भाई आप बताओ, पूरी गोस्वामी महाराज आओ, श्रीधर गोस्वामी आओ, सब हरी कथा बोलो, हम अकेला क्या करे, अब उल्टा सीखा अपना मठ का, मठ क्या होता है, मठ क्या होता है, माधव गोस्वामी बोल के गया जो भजन करता है उसका लिए मठ, तेरा बाप का संपत्ति नहीं है मठ, किसने बोला, माधव गोस्वामी बोल के गया जो भजन करता है उसके लिए मठ बनाया, हम भजन नहीं करता उसके लिए मठ नहीं, हमारा गुरु जी का शिक्षा, तुम्हारा गुरु जी का शिक्षा क्या है, क्या पौपत से अलग है, दिखाओ प्रमाण करो, जो पौपत का सिक्का वो गुरुवर्ग के साथ वो हमारा सिक्का है, एक सिक्का है, ये सब बंद करो, नहीं तो हमको बुलाओ मत, दरकार नहीं है, अपने आप रहो कीर्तन करते रहो 5 घंटा। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा में कोई किस्म का पॉलिटिक्स नहीं था, कोई रोक टोक कुछ नहीं, एक नियम था योर सेंटर पॉइंट शुड बी सिंगल एंड यूनिक, जो सिलमा तीर्थ गोस्वामी महाराज जी ने बार बार बताए, तुम्हारा सेंटर पॉइंट एक होनी चाहिए, उद्देश्य हमारा गुरु वैष्णव भगवान का सेवा, ये मठ में होगी, ये बताया बार बार। श्री चैतन्य महाप्रभु का सामने जितना सारे हजारों हजारों भक्त आए, ये भक्तों को लेकर कोई कमेटी फॉर्मेशन का जरूरत नहीं था, देयर वॉज नो नेसेसिटी, एक कमिटी फॉर्मेशन को कोई जरूरी नहीं था, क्यों, दे आर ऑल ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड टू सर्व चैतन्य महाप्रभु एब्सोल्युटली। चैतन्य महाप्रभु का चरण का सेवा करना ही 100% सबका एक उद्देश्य है, और किसी का कोई उद्देश्य नहीं है, इसलिए कोई कमिटी फॉर्मेशन नहीं हुआ, और तुम जितना भी कमिटी फॉर्मेशन करो कुछ भी करो You can fall down. You cannot come out successful. एक ऐसा है मुस्लिम कोई बच्चा है, मुस्लिम कोई आदमी है, ये भी मेरा भाई है, मेरा बाप में दूजा भाव नहीं है, ये तीर्थ महाराज का शिष्य, ये कभी कोई देखा ही नहीं, जो आया उसको गाले लगाया, आओ बैठो अपना दुख की कहानी बताया, भजन का मार्ग दिखाए, कभी अपना सेल्फ इंटरेस्ट को नहीं दिखाए, जिसका लिए ये करो, ऐसा नहीं, जितना सारे कमेटी फॉर्मेशन हो उसमें कोई फायदा नहीं मिलेगी, इसमें कोई फायदा नहीं मिलेगा। कोई मुस्लिम लड़का आए हमारा सामने, महाराज भजन का थोड़ा रास्ता दिखाओ, हमारा चैतन्य महाप्रभु ही तो बताया, काजी का सामने क्या बताया, क्या घृणा किया, काजी को बोले बैठो चाचा बैठो, किस बात का डर है आप, क्यों भाग रहे हो, बैठ के समझाया, तो बोला ठीक है संकीर्तन चले,
बोला ना, जैसे मुस्लिम बच्चा को बचपन से सिखाया जाता है हिंदू धर्म को विद्वेष करना, सनातन धर्म को विद्वेष करना बचपन से। अकबर बादशाह ने कभी ऐसा नहीं किया, इसीलिए मुस्लिम संप्रदाय में अकबर बादशाह सबसे घटिया किंग है, राजा, क्योंकि उन्होंने अच्छा आइडियलिज्म है, इसलिए उसको एकदम छांट के रखा सबसे बदमाश, क्योंकि वो बदमाशी नहीं किया इसलिए बदमाश। बच्चा को जैसे बचपन से पढ़ाया जाए, ए अपना संप्रदाय का ख्याल रखना, चाहे काटना भी परे करना, रही कौन सी सिक्का, कौन गुरु दीदी, कौन गुरु जी तुमको सिखाया बोलो तो, बचपन से जब मठ में आए तब से सिखा दे, अपना सोसाइटी का शिक्षा खोटा भी है वो भी अच्छा, ये तो मेटेरियल कंसेप्शन है। सनातन गोस्वाई, रूप गोस्वाई, क्या कोई कमेटी फॉर्मेशन किया? क्यों गौरीदास पंडित श्यामानंद प्रभु को जीव गोस्वाई पास भेजा, तू उधर जा शिक्षा ले ले, बताओ हम, जवाब दो हमको, भेजा क्यों है, क्यों भेजा है, क्यों हमारा गुरु जी बोलते जे जा श्री तीर्थ गोस्वामी महाराज के साथ जा, कीर्तन देख सुन, क्या ये सब सिखाने के लिए तुमको ये सोसाइटी मठ है? तुम चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा के बारे में बैठे हो, तिलक लगाते हो, माला लगाते हो, बेइज्जती करते हो? चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा का पहले हमने वो शिक्षा पहले प्रबोधानंद सरस्वती पाद जी का वो बताया था, क्या बताया था? कैवल्य नरकायते तिदस पूर आकाश पुष्पायते दुद्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात दंश्रायत विधि महेन्द्रादृश्य कीटायते विश्वम पूर्ण सुखायते यत करुणा कटक्ष वैभवतम तम गौरमेव स्तुमोह। ओ गौर को मैं दंडवत करता हूँ, उसका चरण में मेरा रतिमति रहे, जिसका चरण का दर्शन का साथ साथ क्या होता है, कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी ने बोला कुत्ता भी तर जाए, एक कुत्ता चैतन्य महाप्रभु के चरण का सौगंध मिल जाए तो पार हो जाएगा, बेरा पार हो जाएगा, हम आदमी बन के भी कुछ नहीं हो पाएगा। श्री चैतन्य पदाम्बुजम मधुपेभ्यो नमो नमः कथंचित आश्रया जेसम साउपी तद गंधवाग भवेत, कुत्ता भी पार हो जाए, कौन सुनाएगा ये सब बात, कौन बोलेगा, किसको बोलेगा, किसका लिए बोलेगा? कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी बताए श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल है, उसका सौगंध सौकर्य से मोहित होकर लोभित होकर जितना सारे मधुमक्खी हमारा गुरुवर्ग सब आए प्रभुपाद भक्ति मिनट सब चैतन्य महाप्रभु के चरण कमल आ गुनगुना रहे, मधुपान करके मत तो हो गया संकीर्तन में। ऐसा है कोई महात्मा का चरण का जरा सा भी संबंध हो जाए, श्री चैतन्य पदाम्बुजो मधुपेभ्यो नमो नमः कथंचित आश्रया जैसाम, ये मधु जो जैसा सारे गुरुवर्ग है हमारा श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जले, जो महात्मा चैतन्य महाप्रभु का मनोभीष्ट को स्थापन करने के लिए ये जगत में आए हैं, उसको तुम्हारा हिम्मत नहीं उसको रुको, उसका जवान को टोको बंद करो, संभव नहीं, वो चैतन्य महाप्रभु का आदेश से आया है जगत में, तुम्हारा आइडिया नहीं है, यू हैव नो स्पिरिचुअल आइडिया, आंखें अंधा है। पहला दिन उस दिन बताया ना, 20 मिनट दिया गया, अंधा यथांधे रूपनीयमानम, तुम अंधा के द्वारा चालित होके अंधा जैसा गति लाभ करता है वही हालत में जाओ, अंधा यथांधे रूपनीयमानम, जैसे प्रहलाद महाराज बोले एक अंधा दूसरा अंधा को चलाने जाए तो दोनों ही मरेगा, दोनों मरेगा, किसी का कोई रास्ता नहीं मिलेगा, अंधा यथांध रोपणीय, आजकल सिचुएशन ये हो गया, खुद अंधा है, कोई दिख नहीं पाता क्या वजन है क्या है, वो गाइड करे फुल सोसाइटी को, चलो मरो अच्छा है, क्या कमी है ठाकुर जी का दुनिया में अनंत ब्रह्मांड। जब हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं ठाकुर जी हम आपका पहले जाना चाहता है, ठाकुर जी बोले आपको लेके मेरा आनंद है, आप चले जाओ तो उत्सव किस काम की है, किस बात की? हरिदास ठाकुर इतना विनम्र है, बोले मेरा जैसे कीड़े मकोड़े कितना है आपका अनंत ब्रह्मांड में, हम जाए तो क्या नुकसान है आपका ठाकुर जी, ये जरूर करना, आपका पहले मैं जाना चाहता हूँ जगत छोड़ के,
बाद में ठाकुर जी बोले जो इच्छा तुम्हारा इच्छा ठाकुर जी पूरा करे, वही दिखाया। अंधा यथंदे रूपणीय मानम, एक अंधा दूसरा अंधा को गाइड कर रहा है, पो समाज जा रहा है नरक में, चलो ठीक है। ये भी ठाकुर जी का कोई विशेष कोई होगा माया देवी का चक्कर, चलो। श्री चैतन्य पदाम भुजो मधुपेभ्यो नमो नमः। ये चैतन्य चरण कमल के आसपास जो मरमराते हुए गुनगुन करते हुए आए हैं जितना कर गुरुवर्गो, इन सब जो मधुमक्खी है उनके चरण का जरा सा भी संबंध हो जाए, जरा सा बस, हम साँव पी तत् गंधवाग भवित, वो भी बेरा उसका पार हो जाए। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल, शिवानंद सेन का कुत्ता पार हो गया, शिवानंद सेन का कुत्ता चैतन्य महाप्रभु का सामने पहले पहुंच गया और गंभीरा मंदिर में बैठ के चैतन्य महाप्रभु टीले में बैठ के नारियल शस्य खिला रहे, खा बोल हरे कृष्ण बोल बोल दे रहा है, कुत्ता खा रहा है। सब आदमी जब आया इतना भक्त लोग, अरे वो कुत्ता मिसिंग था, कहाँ गया था, ये तो प्रभु का पास आ गया, ये कैसे आ गया, वो कितना दूरी से, वो अकेला कैसे आ गया, कुत्ता आ गया। और भक्त लोग नेक्स्ट डे से उसको देखा ही नहीं, साक्षात बैठक वैकुंड चला गया, ठाकुर जी उसको भेज दिया। सात ताल वृक्ष को, ताल वृक्ष जानते हो, सप्त ताल वृक्ष दक्षिण भारत में है, एक एक करके महाप्रभु आलिंगन किया, बहुत साल का एक एक करके आलिंगन, ताल वृक्ष वैनिश। चैतन्य महाप्रभु का जो गण है, जो भक्त लोग है, उसका अंदर में इतना प्यार है, इतना प्रीति है, तुम सोच भी नहीं सकोगे, क्योंकि डर्टी हार्ट है उसका, अंदर में कोई फालतू भावना नहीं है तो पॉलिटिक्स का। पहले जमाने में जितना सारे हमारा भक्ति विनोद ठाकुर का, उसका पहले जितना सारे गौर की सभा, वो सब कौन सी मंदिर में रहा, कौन सी मंदिर में रहा, ये हम नहीं बोल रहे मंदिर के चले जाओगे, ये नम जाओ, हम बोला भक्तु का हमारा अंदर में चैतन्य मठ बैठा हुआ है, चाहे आपका ऑपरेशन करके देख लो, अगर चैतन्य मठ वाले जो अभी कब्जा में रखा वो बोले महाराज चैतन्य मठ का नहीं है, तो बोले हमको अगर सर्टिफिकेट दे पहुपात भक्ति विनोद ठाकुर, यही काफी है, तुम्हारा सर्टिफिकेट से हमारा क्या मतलब है, वो सोचता है चैतन्य मठ का नहीं है। लेकिन बाकी जो पहुंचा हुआ संत है बोलते हैं महाराज हर वक्त चैतन्य मठ में रहता है, चैतन्य मठ हमारा हृदय में है, मठ में रहोगे तो ठीक है, लेकिन मठ में गोष्ठी भजन है, गोष्ठी भजन में एक की बदमाशी के कारण सारे के भजन खराब हो सकता, गोष्ठी भजन में सुन लो ध्यान से, गोष्ठी भजन में दिस इज द स्पेशल फैसिलिटी, जो वहाँ एक पहुँचा हुआ महात्मा रहे, वह बद्धजीव भजन के लिए आए, थोड़ा बहुत मुश्किल भी करे, कुछ उठपटांग कर दिया, फिर भी उसको वो संत महात्मा को उपदेश मिल रहा है, दर्शन मिल रहा है, रोज सुबह में दंडवत कर रहा है, आरती देख रहा है, उसका प्रसाद पा रहा है, समझा मेरा बात, इस समय उसका ये फैसिलिटी है। लेकिन कोई सोसाइटी में कोई भी एक सिद्ध महात्मा नहीं है, कोई पहुंचा हुआ साधु नहीं जो दूसरे को गाइड करे, तो उसमें क्या होगा, एक पुजारी अगर बदमाशी करे, व्यभिचार करे, उसका फल सबको मिलना पड़ेगा, ये पौपा जी ने खुद दिखा दिया, आप लोगों को ऐसा पता ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। जम्मू का मिश्र जी इतना बड़ा प्रोफेसर, कथा चल रहे बोले महाराज हम जिंदगी में सुना ही नहीं ये सब बात, अरे तू सुना नहीं, इतना बड़ा प्रोफेसर हो, इतना बड़ा, इतना दिन से असर सुना नहीं, क्यों, वाई गौरिया मठ का क्या बात हुआ तुम्हारा सामने, पोपा जी अपना भजन कुटीर में भक्ति विजय भवन में, ध्यान देके सुनना, भक्ति विजय भजन में पोपा जी भजन कर रहे नाम, अचानक आरती का शुरू का पहले सब लोग देख रहे हैं पोपा दौड़ रहा है, क्या हुआ, पोपा दौड़ के अपना भजन कुटीर से निकल रहा है और दौड़ के गया, जाके क्या गया, कहाँ गया, चैतन्य मठ का जो विग्रह है जो मंदिर में आरती शुरू होने वाला, पोपा जी झीने झीना देके उठा, मंदिर का जो गर्भ मंदिर का दरवाजा खोला,
खोल के गौरांग महाप्रभु को उठाया ऐसा करके, उसमें इतना सारे लव लेटर निकाला, ठाकुर जी बोल दिया। उसका बाद प्रभुपाद निकल के इसको कुत्ता का मावी हवा दे, भागो यहां से, दफा हो जाओ, निकल जाओ इधर से, क्षमा है लेकिन अप टू सर्टेन लिमिट, अप टू सर्टेन लिमिट क्षमा है। क्षमा का मतलब ये नहीं कुछ भी करे, करते चले, करते पूरा सोसाइटी करप्टेड हो जाए। चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा ये नहीं है, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा कभी ये नहीं है। चैतन्य महाप्रभु क्षमा करना चाहता है। हम एक एक करके उदाहरण देंगे चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या है। गोष्ठी भजन में बड़ा डेंजर भी हो सकता अगर ऐसा करते चले, कोई नहीं है गाइड करने वाला तो बस हो गया। वो अगर पुजारी बदमाशी करे अंदर में, वो भोग लगाए वो भोग नहीं हो पाएगा। रसोईया बदमाशी करे, उसका व्यभिचार है, कपड़ा ठीक नहीं, वो भोग जो तुमने अंदर दिया भोग भोग हुआ नहीं, ठाकुर जी लिया नहीं, तुम बोल प्रसाद पाओ, बाजार से लाया प्रसाद पाओ, हमने देखा तो बाजार से लाया प्रसाद पाओ महाराज। अरे क्या प्रसाद पाए, प्रसाद का तू क्या जानता है, प्रसाद क्या चीज़ होता है तू क्या जानता है, वहाँ प्रसाद गोविंदे बोलने से हो जाता है न कि उतना इजी है, मरने के लिए आया सब। श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा डिटेल्स इंफॉर्मेशन चाहिए तो सालों साल चर्चा होते रहेगा। चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, विशेष करके सनातन प्रभु का शिक्षा, रूप शिक्षा, राय रामानंद के साथ उसका पहले एक एक भक्तों का साथ महाप्रभु का व्यवहार सारे एक एक करके खुल हम खोले पर्दा खोले तो पता चलेगा चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा। ये कोई आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा, पाँच घंटा में बोलने वाला चीज़ नहीं है, फिर भी इंडिकेशन हमने दे दिया। किसी को तो होश आएगा, हाँ तो हम तो मर मिट जाए, लेकिन ये प्रवचन तो किसी का, किसी ना किसी भक्त, किसी का व्यक्ति का अंदर में प्रवेश करे। आपका नहीं हो रहा है तो ठीक है, किसी का हो सकता, हो रहा है पूरा वर्ल्ड में, किसी ना किसी का पास ये पहुंच रहा है, चेंज हो रहा है वो लोग। तो ठाकुर जी का इच्छा है, पैसा देके भी प्रचार नहीं होता, मैन पावर मनी पावर देके भी प्रचार नहीं होता। जब प्रभुपाद जी का इच्छा हुआ जो हम क्या करें कैसे प्रचार करें, उपाय नहीं है, हम बैठ के कम से कम माला तो करें, भजन करें, तो आदेश हुआ गौरंग महाप्रभु पंचतत्व आके, प्रचार करो हमारा बात, एब्सोल्यूट का बात बोलो। प्रभुपाद ने बोला हम कैसे प्रचार करो ठाकुर जी, हमारा ना पैसा है ना मैन पावर है मनी पावर, कुछ भी नहीं है, कैसे क्या करे, सब आ रहा है तुम्हारा पीछे। एक सच्चा संतों का पास सब आता है, तुम्हारा हेल्प का जरूरी है नहीं, सब ठाकुर जी भेज दिया, अनंत ब्रह्मांड का मालिक मालिक है। शिल भक्ति प्रमोद पुरी से मैं को जान, कौन जानता था, एक है ना माला करता है ना प्रतिष्ठा मंदिर है, बाद में जो लोग ऐसा किया उसको सेटअप कर दिया सारा वर्ल्ड में, कौन नहीं जानता भक्ति प्रमोद पुरी से, मैं कौन सी विदेश में गया, लॉस एंजलस एयरपोर्ट में जाओ उसका फटोल लटक रहा है एयरपोर्ट में, कैसे हुआ, ये महापुरुष तो नहीं गया, सब हो जाता अगर सही लक्ष्य है। चैतन्य महाप्रभु यही पहला शिक्षा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड, तुम्हारा तुम मुस्लिम हो, हरिदास और क्या है, जवन कुल में आविर्भाव हुआ, क्योंकि महाप्रभु का गानों में सबसे बड़ा जो इज्जत वो श्री हरिदास ठाकुर के मिले है। क्यों, सनातन गोस्वाई साक्षात बताए, ये महाप्रभु का भाव है। सनातन गोस्वामी के साथ चर्चा चल रहा है, वह पुरुषोत्तम धाम में सिद्ध बगुल में जो रहता था, क्योंकि हम कहाँ जाए ठाकुर हरिदास का ठाकुर हम रहे कहाँ जाए, हम तो मलेच्छ का संग किया हरिदास, जबकि सनातन रूप गोस्वामी सबसे बड़ा खानदान भरतराज गोत्रीय ब्राह्मण, हम नीचा खानदान का है, हमने सब संग किया, मलेच्छों का संग किया, हम कहाँ जाए, हम तो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता, हम कहाँ जाए, यहाँ ही रहे, ठाकुर कृपा करके हमको रखेगा, ऐसा विनम्र भाव। वृंदावन दास ठाकुर अगर बोल दिया इतना समझाने का बाद भी समझो नहीं तो मैं लाथी मारना चाहता हूँ तुम्हारा सर पे, बोले अरे इसका तो कोई वैष्णव तो है ही नहीं, ये तो मीठा मीठा बोलता है, ये ठीक है, ये वैष्णव है।
वैष्णव वैष्णव कौन है, साधु कौन है, कौन नहीं है, इसका विचार तुम्हारा मापी पागल का हाथ में नहीं दिया जाएगा। Who are you to judge? तुम कौन हो, कौन साधु है, कौन साधु नहीं है, तो साधु बताएगा। तुम बताओगे विचार करके, ये साधु नहीं, इसको भगा दो, इसको ये कर दो। क्या सनातन गोस्वामी का बारे में महाप्रभु जी ने बताए, सनातन समो विज्ञ नहीं त्रिभुवने, त्रिभुवन में सनातन गोस्वामी का विज्ञ पुरुष नहीं है। वो सनातन जी ने हरिदास ठाकुर को बताया, जो आप आचरण भी करते हो और प्रचार भी करते हो, ये श्लोक है सुंदर। हरिदास ठाकुर ने बताया आपका आपका पूरा जो रूप सनातन जीव सब कोई को महाप्रभु ने वृंदावन धाम में सेवा दिया, कितना सुंदर। लुप्त तीर्थों को उद्धार करो, शास्त्रों का विचार करके स्थापना करो, बद्ध जीव का दिमाग में नहीं आएगा, ये सब स्थापना करो। नाना शास्त्र विचार नैक निपुनो सद्धर्म संस्थापको लोकानम हित करिनो त्रिभुवने मान्यो शरण्या करो। कभी किया है सब कीर्तन? नहीं किया। गोस्वामी लोगों ने सारे तमाम शास्त्रों को मंथन करके क्रीम रखा है तुम्हारा लिए, तुम इतना अंधेरा में चला गया वो देखने के लिए तुम्हारा टाइम नहीं है, सारे क्रीम दे दिया। उसका बाद भी उसको उठा के भक्ति विनोद ठाकुर और जिस्ट दे दिया भक्ति विनोद ठाकुर। अरे कितना ये सब, क्या कैसे तू पढ़ेगा, सब समय बुद्धि नहीं है, हम कर दे, भक्ति विनोद ठाकुर कह दिया। गोस्वामी लोगों का जितना ग्रंथ है सब महाप्रभु का जो शिक्षाष्टक है, हम बताएंगे शिक्षा क्या है, हम महीनों पर बताते चले तो कुछ खत्म नहीं होने वाला, हम तो इंडिकेशन दे रहे हैं। शिक्षाष्टक में जो शिक्षा है आठ श्लोक में, गोस्वामी लोगों के द्वारा रचित सौ सौ किताब जो है, जितना सारे सिद्धांत प्रकाश किया, ऑल क्या है, एक्सपेंशन ऑफ द आठ श्लोक का, महाप्रभु के जो आठ श्लोक है इसका एक्सपेंशन है, बीज रूप में है। सारे जितना सारे सिद्धांत, जितना विचार, जितना सारे किताब रचना किया, सारे ये शिक्षाष्टक का एक्सपेंस। जैसे चतुश्लोकी भागवत ब्रह्मा जी का चतुश्लोक एक्सपेंस के लिए 18,000 श्लोक बना दिए, आपका दिमाग में नहीं आएगा। ये जो ये लोग फिजिक्स पढ़ता है उसको अगर बोले हम तेरे को इतना मापे कुछ ही किस वस्तु तेरा हाथ में देंगे तो पकड़ सके? वो अगर वास्तव फिजिक्स पढ़ा है तो पहले क्वेश्चन का व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दैट, बुद्धिमान उसी को बोला जाता है। हम बोला एक बाधा कर, एक छोटा सा वस्तु दे तो पकड़ सके? वो पहले बोले व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। महाराज फिजिक्स जो पढ़ा है, जो रिसर्च किया है, वो लोग जानता है। मेरा बात ये अमूल्य आदमी समझेगा नहीं। पारा तमाम ये जो कॉस्मिक वर्ल्ड, इसका डेंसिटी हम इन्फिनिटी तक एक्सटेंड करें तो वॉल्यूम जीरो में आ जाएगा। फॉलो माय पॉइंट, कैलकुलस किया है तो आपको पता है, कोई वस्तु का वॉल्यूम वाइसी वर्षा रहता है ना, वॉल्यूम एंड डेंसिटी। अगर ये पूर्ण तमाम दुनिया को बलदाव जी महाराज स्क्वीज करके एक पॉइंट में ला दिया तो क्या तुम्हारा, क्या तुम्हारा बुद्धि इसमें पहुंचेगा? हैं, लोहे का जो डंबल है इसमें भी पोरोसिटी है, जो केमिस्ट्री पढ़ा वो जानता है, फिजिक्स पढ़ा, लोहे का एक डंबल रख दिया इसका भी पोरोसिटी है। विदाउट पोरोसिटी नो सब्सटेंस इज अवेलेबल ऑन दिस अर्थ। कहाँ तक सीखोगे तुम, केमिस्ट्री पढ़ोगे कि फिजिक्स पढ़ोगे कि चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा, क्या कहाँ तक जाओगे? शिला हरिदास ठाकुर जी ने बताया, इतना प्रशंसा किया, सनातन गोसाई जी ने बताया बस करो, उतना प्रशंसा मत करो। महाप्रभु का गणों में आप टॉप मोस्ट हो, अरे कैसा बात करता था, हम टॉप मोस्ट है, यस ऑफकोर्स। कैसे बोले आप, सनातन गोसाई जी बताया, आचार करे के हो ना करे प्रचार, प्रचार करे के हो ना करे आचार, आचार प्रचार नामेर करो द्वि कार्यो, तुम्हें सर्वगुरु तुम्हें जगतेर आर्जो। ये बात किसने बताई?
सनातन बताए, तू मानने के लिए तैयार नहीं है। जिसका आचरण है वो उसका कथा भी उसका आचरण से मिलता जुलता है तो क्या है, वो प्रचारक नहीं है। तुम अमेरिका जा रहे हो, तुम प्रचारक हो, कहाँ का प्रचारक है तुम? यू कैन गैदर डॉलर्स, बहुत डॉलर और सो पाउंड सब गैदर करोगे और मरने का समय, मरने में का मरने का समय रावण का मापिक मरोगे। रावण जैसा मरा वैसा मरोगे। गो ऑन कलेक्टिंग ह्यूज ऑफ डॉलर, ह्यूज अमाउंट ऑफ डॉलर्स एंड एवरीथिंग एंड अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू डाई लाइक रावण। तुमने महाप्रभु का शिक्षा को आगे बढ़ने नहीं दोगे, तुम्हारा आचरण पूरा खानदान को उजा देगा। ये हम व्यासासन में बोल के बैठ के बोल रहा, तुम्हारा जो आचरण है पूरा खानदान को तुम्हारा उजाड़ देगा, कुछ नहीं बचेगा। ये सब उल्टा पलटा शिक्षा नहीं लेना। कोई साइंटिस्ट का कोई देश का परिचय नहीं है, पूरा मानव जाति के लिए। एक डॉक्टर मानव जाति के लिए, एक साधु को ये मटका, ये सोसाइटी ऐसा नहीं है। एक साधु का पास कोई भी मटका आदमी जा सकता है, जाके पूछे, यही वास्तव शिक्षा है। कोई भी मटका आदमी जाए, महाराज हमको भजन का रास्ता बताओ। ये नहीं कि इधर बैठ के गुरु जी का ही ये बनाया हुआ, इसमें भर के बदमाशी करो, कुछ भी करो, हो जाएगा तुम्हारा मंगल। किसने बताया? उसको लाओ मेरा सामने, दिखाओ किसको मंगल हुआ आज तक। बड़ा बड़ा सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी, उसका सामता हुंकार के साथ बात करते, लायन का माफी जवाब देंगे। अरे दे जवाब, आया नहीं, 8 साल हो गया जवाब लिखा। हिम्मत है, पूरा वर्ल्ड में तेरा जितना ब्रेन है सब एक साथ लगा के मेरा ये जवाब दे। ये कोई झगड़ा नहीं, हमने बोला शत्रुता ना समाधान, ये कोई शत्रुता नहीं, हॉस्टैलिटी नहीं है, ये समाधान का बात है। ठाकुर जी हमको बचाने के लिए ऊपर से आ जाएंगे अगर हम सच्चाई है हमारा अंदर में, नहीं तो होने वाला नहीं। हरिदास ठाकुर जवन कुल में अभिभाव, लेकिन महाप्रभु का खानदान में सबसे बड़ा डेजिग्नेशन पदवी नामाचार्य किसको मिला? सनातन को भी नहीं मिला, रूप को भी नहीं मिला, सिर्फ हरिदास ठाकुर नामाचार्य हरिदास ठाकुर उनको मिला है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर नाम सबसे बड़ा है, राम से बड़ा राम का नाम, कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम, यही तो सिद्धांत तो है। जब भी एक ही है कोई बात नहीं। श्री कृष्ण चैतन्य और जो रस विग्रह, श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण सिद्ध नित्य मुक्त अभिन्न त्यात नाम नामिन, यही तो बताया ना, नाम अनामी अभेद है। और नाम का अंदर में काल भी बताया था, नाम का अंदर में सारे जितना सारे लीला परिकर वैशिष्ट भगवान का रूप गुण लीला सब नाम का अंदर बीज, नामेर कोली का बीज भक्ति में ठाकुर लिखा है। नाम ही बीज रूप कर तुम्हारा सामने आए और जपते चलो आराम से, कोई बदमाशी बंद करो तो, और देखो क्या होता है। हैं, जो वाल्मीकि मुनि हुआ उसका क्या हुआ? रत्नाकर दस्यु, राम नाम भी जवान पे नहीं उतर रहा है। अरे मरा मरा, अरे राम बोल, मरा मर ठीक है चल, मरा मरा बोलते चल, मरा मरा बोलते चल तू, मरा 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 आ गया राम, जब तक चल तू ठीक है, मरा ही बोलते चल। जब हरिदास ठाकुर को महाप्रभु प्रश्न किया, ये मुस्लिम समाज ये जो जवन है इसका मंगल कैसे होगा ठाकुर जी, ये तो नहीं सुन रहे। हाँ महाप्रभु बोले, काहे को चिंता कर रहे, चिंता का कुछ तो है नहीं। क्यों? बोले वो तो कम से कम राम ना बोले, हराम तो बोलता है, हराम बोलता तो है, इसमें उसका नवाबाज हो जाएगा। हराम तो बोलेगा जरूर, हराम बोलेगा तो हराम का साथ साथ तो राम तो निकल गया। नामाभास अगर हो जाएगा उसमें भी मुक्ति हो जाएगा, नामाभास। लेकिन नाम अपराध मत करो, वैष्णव चरण में अपराध मत करो,
इसलिए गुरु जी बड़ा करुणा करके वैष्णव अपराध बोल के एक किताब लिखा जो अंग्रेजी में अमेरिका से निकला, हार्ट ऑफ कृष्ण, इसको पढ़ना। भजन का शुरुआत में गुरु जी ने रास्ता देखा, पहले भजन तो बाद में करे, बैठ जा चुपचाप। अपराध कैसे बनता, आज भी काल एक काल आज ही तो आया है बाहर विदेश से, एक क्वेश्चन आया है रोते रोते, इतना बड़ा हमारा हालात है क्या करें, उसका उत्तर दिया दिया ना। तो ये जो परिस्थिति है, हरिदास ठाकुर को नामाचार्य माना गया क्योंकि नाम का अंदर में सब कुछ है। महाप्रभु कह रहे हैं कि हरिदास कम से कम तो हराम बोलेगा, राम तो नहीं बोलने वाला है, हराम तो बोलेगा, हराम इट्स एक्सक्लेमेशन है, हा राम हो गया। तो ठाकुर तुम चिंता क्यों कर रहे हो ठाकुर, आप इसका भी मंगल हो जाए। और ठाकुर जी का जो महामंत्र है, जंगल से गुजर रहा है, पहाड़ से गुजर, हरे कृष्ण 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 हरे गुजर रहा है ना, वो जो साइम वाइब्रेशन है, साइंटिस्ट लोग क्या बोलता है, सारे पृथ्वी का कोने कोने में जाएगा, वेव वेव जो है पूरा वर्ल्ड में, वो विशेष करके महाप्रभु साक्षात भगवान, साक्षात भगवान पूर्ण चेतन परिपूर्ण चेतन वस्तु, ये जब कह रहे हैं कि हरे कृष्ण हरे, जंगली जानवर को भी बना दिया, प्रेम बना दिया उसका अंदर में, जंगली जानवर को उसको प्रेम दे दिया, और हम आदमी मन के भी मिल नहीं रहा, वृंदावन में इधर सब उल्टा व्याख्या हो रहा है। हरे नरोत्तम ठाकुर जी ने बोला, नाभुजितो दय प्रेम धन, तुम एक उल्लू हो, नाभुजित भजन करने का दरगा प्रेम धन दे देगा। अरे कहाँ लिखा है, नरोत्तम का जो बात है इसका बात तुमने किसी महापुरुष का मुख से सुना, तुमने जो इंटरप्रिटेशन और टू कॉमेंट्री शुरू कर दिया, महापुरुष आए हो तुम, तुमने सुना इसका, ये अगर नरोत्तम ठाकुर बोला है तो दूसरा लाइन में क्यों हुआ, साधन शरण लीला ताहते ना करो हैला काय मने करिया सुसार। बांग्ला जानते हो, नहीं जानते हो तो मजा कैसे लोगे। साधन शरण लीला, अपना साधन भजन उसमें ढीला मत देना, यही तो नरोत्तम ठाकुर बोला। अब वृंदावन सब बोले कोई दरकार नहीं, महाप्रभु ने बोला अमार अज्ञाए गुरु होइया तारो ये देश, महाप्रभु ने बोल दिया स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, सो आई एम ऑल्सो गुरु। कहां से सीखा, वृंदावन में बड़े बड़े सब व्यक्ति प्रचार कर रहे हैं सब उल्टा बोल रहे हैं, कहां तक हम चिल्लाते फिरे, हमारा साउंड कहां तक जाए, आप लोग तो सहायता नहीं करने वाला, कैसे सहायता करोगे, कलर है ना, रेड कलर ब्लू कलर रेड कलर ग्रीन कलर सब लगा हुआ है, जरूरत भी नहीं है। ठाकुर जी करेगा अमार आज्ञाए गुरु हो या तारो ये देश, बोलो क्या है, हंगामा का बात है। महाप्रभु ने बताया दैट वॉज सम स्पेशल सर्कमस्टेंस, कुष्ठ विप्रो को ठीक किया और फिर कूर्म विप्रो को आशीर्वाद किया, हम आपका पीछे जाएंगे, नहीं जाओ, जाके प्रचार करो, बोलो अर्थात मेरा बारे में बोलो, हरिनाम के द्वारा कैसे उद्धार हो सकता है, अमार अज्ञाय गुरु हैया तारो ये देश, जाओ। पहला बात तो ये है, महाप्रभु स्वयं उपस्थित है, महाप्रभु जब स्वयं उपस्थित है वो कितना पावर उसका अंदर में डाल दिया होगा, जब बोल रहा है अमार अज्ञाय गुरु हैया तारो ये देश, तो उसका साथ पावर भी दे रहा है। फर्स्ट पॉइंट, सीक्रेट पॉइंट, समझा मेरा बात, लिखा हुआ है, हम नहीं बना के बोल रहे हैं। मैंने महाराज वो जाके गांव में हर जगह हरि कथा कीर्तन शुरू किया, उसका मुख्य कीर्तन सुन के और दूसरा कीर्तन किया, वो भी हजारों लोगों को पार कर दिया, लिखा हुआ है, सिर्फ उसको आदेश और पावर ट्रांसफर कर दिया, और साथ साथ वो जाके गांव में हजारों लोगों को उद्धार, वो भी उसका मुख से सुन के वो भी पार कर दिया। ए ट्रांसलेशन ऑफ पावर, पावर जा रहा है। जब महाप्रभु प्रकट लीला किए तो जंगली जानवर को भी उद्धार कर दिए, दैट डजंट मीन आप भजन नहीं करोगे आज तुम्हारा हो जाएगा, तुम गुरु गुरु करते रहो और तुम्हारा हो जाएगा। गुरु का आदेश निर्देश क्या, बानु स्वरूप है, कभी समझा,
जिंदगी में कभी विचार किया गुरु जी कोई रक्त मांस का कोई वस्तु है? ऐसा बुद्धि है। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है, हमारा गाय गुरु हैया तारो ए देश पहला है, अमार आज्ञा पहले मेरा आज्ञा, तुम पहले गुरु हो जाओ, लघु बन के जगत में जाओगे तो होगा नहीं। अमार आज्ञा गुरु हैया, बी केयरफुल, हमारा गाय हमारा आज्ञा से पहले तुम गुरु बन जाओ। हम तो पावर दे रहे हैं तुमको, इसका मिसयूज मत करो, हम तो बोल चुका। इतने थोड़ी सी समय में जो मसला दे दिया, इसको एक्सपेंड करे पूरा जिंदगी में तुम पकड़ नहीं पाओगे। ये 7-10 दिन में जो बोल दिया उसका अंदर में बहुत सारे मसला है, बोल दिया। इसमें जो बात आता है, हमारा गाय गुरु होइया तारो ही देश, मतलब हमारा ये आज्ञा है तुम पहले गुरु हो जाओ, लघु बन के कुछ कर नहीं पाओगे, और उसका बाद जगतवासी को त्राण करो, मंगल करो जगतवासी का। अगर हमारा सिक्का नहीं ले पाओगे तो तुम्हारा त्राण खुद का नहीं होगा, तो दूसरे का क्या त्राण करोगे तुम। तीर नाम तरेत महाभारत में आता है, तीर नाम तरे, जो खुद पार हो गया वो दूसरे को पार कर सके, तुम पार ही नहीं हुआ, तुम डूबते जा रहे हैं। डूब एक डूबा हुआ आदमी दूसरे को कैसे बचाए, वो खुद माया में डूबा हुआ कैसे बचाएगा, संभव है क्या? आज जहां सिद्धांतों का बात बोले उच्चारण करे महाप्रभु का बंद किया जाए, वो नहीं होने देंगे। जहां महाप्रभु का सिद्धांतों का बात होगा, ए बंद कर, आपस में लड़ाई हो जाए। बॉम्बे में सिद्धांतों का बात शुरू हो गया, बस हटा दिया भक्त को, या भाग घर चले जा, ठीक है हमारा चले जा। तमाम दुनिया को रक्षा करने के लिए बहुत कृपा का जरूरी है, बहुत पावर, पहुपात का, भक्ति विनोद ठाकुर का, गुरुवर का पूर्ण शक्ति, तब ये जगतवासी का मंगल हो सकता, नहीं तो संभव नहीं, नहीं तो संभव नहीं। चैतन्य महाप्रभु जी ने अपने जो लीला रचाया पूरा जन्म से लेकर, हमने शुरू कर दे तो हो जाएगा, पा महीना वर चले, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत लिखे, चैतन्य भागवत का अंदर महाप्रभु आविर्भाव का साथ साथ प्रचार शुरू किया, उसका गुप्त रहस्य हम बताएंगे। जब वृंदावन दास ठाकुर जी ने बताए, इतना समझाया इतना समझाया इतना समझाया, फिर भी समझता नहीं, तो एक काम करे मैं लाथी मारूं उसका, बार तबे लाथी मारू तार सिरे रोपोर, तो हंगामा मच गया, इसका वैष्णवता नहीं है, ये लाथी मारो बोल रहा है कि वैष्णव के लाथी लगाता है। भक्ति मोहन ठाकुर जी ने बोला है तुम पागल हो, ये इतना करुणामय है कि अपना चरण का धूली तुम्हारा माथे में देकर तुम्हारा ब्रेन को रेक्टिफाई करना चाहे, तुमने उसको इल्जाम लगाया कोई वैष्णवता नहीं है। हमने तो यहाँ तक कहा वृंदावन में चिल्ला चिल्ला के फॉरेन समाज में, जे देखो कृष्णदास कविराज गोस्वामी का, जे पूरी शेर कीट हुई थे मुई से लघिष्टो, जगाई मदाई हुई थे मुई से पापिष्टो, पूरी शेर कीट हुई थे मुई से लघिष्टो, मोर नाम जेई लय तार पाप पुण्य पाप तार पुण्य क्षय, मोर नाम जेई लय तार पाप हय, मोर नाम जेई सुने तार पुण्य क्षय, मोर नाम जेई लय तार पाप। तो क्या हम समझ लगे इतना सुंदर परिचय दिया, वो टट्टी का कीड़े मकोड़े हैं इसका कथा सुनने का दरकार नहीं, क्योंकि खुद का परिचय दिया ना। अरे महाराज जगतवासी बोले महाराज खुद का परिचय दिया, ये जो है आपका ये तो परिचय दिया, टट्टी का जो कीड़े हैं उससे भी गिरा, तो इसका बात सुन के क्या होगा, इतना गिरा हुआ इंसान का बात तो सुनने का दरकार, ये उल्लू का पट्टा, ये तो ऐसे ही, ये तो उसका तो ये विनम्र भाव है। हमने तो यहाँ तक कहा जे कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो बोला है, ये जो दैन्य करके इसमें जो वैष्णवता प्रकाशित हुआ हुए ना हुई ना वैष्णवता, जे जगाई मधाई हुई थे मुई से पापिष्ठो,
पुरुषेर की चैत मुझे इतना दैन्य प्रकाश किया, हमने चिल्ला चिल्ला कर बोला वृंदावन दास ठाकुर का तबे लाथुई मारू तार सिरेर ऊपर ये आइडेंटिकल है, उसका अंदर में जो वैष्णवता है करुणा है इसका अंदर में वृंदावन दास ठाकुर का अंदर में और ज्यादा करुणा है। क्या बता रहे हो, यस साइंटिफिक विचार, वृंदावन दास ठाकुर का अंदर में और ज्यादा करुणा अभी प्रकाशित हुए अभी इस बातों पर। तुमने उल्टा समझ दिया, समझे उल्टा समझ गया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो ये दैन्य करके बताया इसमें आम आदमी का जो उल्टा रास्ता पे जाने का चांस है कि वो समझेगा नहीं, समझेगा नहीं। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो करुणा प्रकाश किए तो करुणा में है ही है। वृंदावन दास ठाकुर जो बोला अपना चरण का धूली तुम्हारा माथे पे देकर तुम्हारा ब्रेन रेक्टिफाई कर दूं तब तुम्हारा बुद्धि सुधरेगा, तो ज्यादा है कि खराब है। प्रहलाद महाराज भी तो ये कहे ना, जब तक कोई महापुरुष का चरण रज हमारा मस्तक पे ना आए तब तक बुद्धि शुद्धि नहीं होने वाला। निष्किंचनानम न वृणितो यावत, निष्किंचनानम न वृणितो यावत, प्रहलाद महाराज ने बताया। नहीं तद मतिस्तावत उरुक्रमांगिन स्पृशति, ये जो श्लोक बोला है इसमें नैशांग मतिस्तावदूरु क्रमांघ्रि स्पृश्यात्तनर्थापगमो जदर्थो मही असंपाद रजो विषेकम निष्किंचनानम न वृणितो यावत। प्रहलाद महाराज गए, जब तक ये महापुरुष का चरण रज में स्नान न करोगे तब तक कटी जन्म में तुम्हारा बुद्धि शुद्ध नहीं होगा। जितना कुछ चीको चिल्लो स्लोगान दो दौड़ो, जिस दिन तुम्हारा दिमाग में महापुरुष का चरण रज पड़े और तुम्हारा अंदर में निष्कपट भाव है, बी केयरफुल। गुरुजी बोलते थे बहुत आदमी कपट करके आके मेरा चरण धुल ले जाता है, कपट, उसका मंगल नहीं होगा। गौरकिशोर दास बाबा जी महाराज के पास आके कोई व्यक्ति विषयी व्यक्ति आया दंडवत किया और तुरंत आके क्या किया, गौरकिशोर बाबा जी महाराज का चरण का धूली लेकर मत आ जाए। बाबा जी महाराज बड़ा गुस्सा हो गया, हे तुम क्यों हमारा चरण धूली लिया, तुम्हारा सब बनास हो जाएगा, जाओ, भगा दिया। क्योंकि बाबा जी महाराज जानता है ये कपट है। वो जाके प्रभुपाद जी का सामने शिकायत किया, हमने गया बाबा जी महाराज का पास चरण धूली लेने, हमको गाली दे दिया, बोला क्यों चरण सर्वनाश हो जाए। प्रभुपाद मुस्कुराया, अच्छा ये बताओ कि हमारा ये महापुरुष का चरण धूली लेने का अधिकार है, ये चरण धूली हमारा लेने का अधिकार है क्या, तुमने जोर जबरदस्ती ले लिया। वो स्वयं दे दे तो अलग बात है। जहाँ कृष्ण भगवान स्वयं उद्धव जी को बताते हैं, उद्धव मैं भक्तों का पीछे दौड़ता हूँ, क्यों ठाकुर जी पीछे भागता हूँ क्यों, बोले वो जो भक्त चला जाता है ना उसके बाद धूली उड़ता है वो मेरा सर पे पड़े, इसलिए अनुब्रजामि अहम पुयति अंग्रिरनु भी। उद्धव को उत्तर दिया, मैं भक्तों का पीछे क्यों दौड़ता हूँ, का कारण है, भले पुयति अंग्रिरनु भी अनुब्रजामि अहम अनुब्रजामि पीछे पीछे भक्तों का क्यों जाता हूँ, भले भक्तों चलने का साथ साथ जो धूलिकन डस्ट पाउडर उड़ेगा वो धूलिकन मेरा सर पे आए और मैं पवित्र बन जाऊं। अरे ठाकुर जी आप पवित्र बन जाओगे, आप क्या अपवित्र है, जो ठाकुर जी ने राष्ट्रीय यज्ञों में संत महात्मा का पैर धुलाने का सेवा लिया फिर भी आपका होश नहीं आया। ठाकुर जी युधिष्ठिर महाजी के दादा भैया हमको क्या सेवा दे, अरे आपका तो सब तो सेवा आपका जो ले ने एक विशेष सेवा है हम मांग ले, वो क्या सेवा है, भाई जितना सारे संत महात्मा ऋषि मुनि आए उन लोगों के चरण धुला दे, मेरी आपका लायक सेवा है। हाँ मेरा लायक तो सेवा है, मेरा लायक सेवा नहीं। जब चैतन्य महापो गया धाम में गया बुखार आया तो बोले किसी दावा काम नहीं करेगा, कैसे, बोले काम करो शुद्ध ब्राह्मण का चरण जल लाओ हम पियेंगे बुखार ठीक हो जाएगा। किसने दिखाया, चैतन्य महापो का सिखा,
साधु गुरु वैष्णव सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर। ठाकुर जी बोलता है ये हमारा हृदय है, उस दिन बताया था ना, ठाकुर जी बोलता है हम पीछे दौड़ता है भक्तों का पीछे, इसलिए कि चरण धूलि मेरा सर पे पड़े, मैं पवित्र हो जाऊं। ये ठाकुर जी का विचार, ये चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा है। अब उल्टा हो रहा है, महाप्रभु का शिक्षा ध्यान से सुन लो। काल बात उठाया था, इसका एक एक करके हम जवाब देंगे, चाहे जितना भी समय हो जाए, क्योंकि काल हम जाने वाला। और डिक्लेयर करे, इधर से डिक्लेयर करे कि ये सच्चा प्रवचन हम सुनते रहेंगे, कुछ भी हो जाए तब हम दोबारा आने का सोचेगा। ओपनली आई कैन रिकॉर्ड इट, यू कैन नॉट मेक फूल ऑफ मी। पूरा प्रवचन बोलोगे हाँ यही बात सुनेंगे तब हम आएंगे, नहीं आएंगे नहीं, सोचेंगे माधव गोस्वामी का सेवा हो जाएगा। इसमें बात है, कालम बताया था जे ये जो जोशित संग त्याग वैष्णव आचार, महाप्रभु जी ने एकदम कठोर अप्लाइड फॉर्म में दिखाया, किसी को क्षमा नहीं किया महाप्रभु। ये बात माननी पड़ेगी, गुरु वैष्णव और करुणामय, जो गौरंग महाप्रभु नहीं कर सकता नित्यानंद वो क्षमा कर दे कभी कभी, और गुरु वर्ग और भी करुणामय है, थोड़ा थोड़ा ठीक है हरकतें कर दिया, क्षमा कर दिया। लेकिन इधर एक विशेष भाव है, गौड़ीय मठ का शिक्षा, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा 100% अप्लाइड फॉर्म में भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद का जिंदगी में आया था, 100% अप्लाइड फॉर्म। प्रभुपाद महाप्रभु का शिक्षा का अप्लाइड फॉर्म दिखाया, बाकी सब फिलोसॉफी बोला। भक्तिविनोद ठाकुर भी बहुत सारा मसला दिया, उसके बाद भक्तिविनोद ठाकुर का कहना मतलब महाप्रभु का, सारे इन अप्लाइड फॉर्म प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद का जो आचार्य सिप वो इन्फिनिटी वर्ल्ड में किसी जगह नहीं, अनंत काल के इतिहास में प्रभुपाद का आचार्य सिप ये अनोखा है। ये कोई तात्कालिक आचार्य नहीं है, 10 दिन मैंने महाराज 1 साल के लिए आचार्य किया फिर उसका बाद ये हो गया, वो आचार्य किया महाराज वो 40 साल आचार्य का, ऐसा नहीं। प्रभुपाद का जो आचार्य सिप है इट इज फॉर एवर, अनंत काल के लिए एक इतिहास बन के रह जाए। इसमें पहला बात आता है चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, असत्संग त्याग वैष्णव बाजार, जो कि आप जिंदगी में ये करने के लिए तैयारी है नहीं। असत्संग त्याग वैष्णव आचार महाप्रभु ने दिखाया, असत्संग त्याग वैष्णव आचार, और ये बात आप मानने के लिए तैयारी नहीं। असत्संग क्या है, कैसे कैसे होता, आंखें फाड़ फाड़ के बताए ऐसा है, यस ये अगर नहीं बताया जाए तो सारे आदमी मरेगा, हमारा आने का क्या फायदा है, हमारा आने का तो कोई, हम आया जिंदगी में नहीं आए फिर भी जो लोगों का कान में ये शब्द आया हम मर मिट जाने का बाल भी ये गूंजते रहेगा, ये बता के गया भूलेगा नहीं, वहां स्टैंप लगा के जाएगा ये प्रतिज्ञा है मेरा। ये जो असत्संग त्याग वैष्णव बाजार इसको एक्सपेंड करे बहुत समय लगेगा, फिर भी महाप्रभु शिक्षा में ये बात बोलना जरूरी है। फिर उसका बाद शिक्षा स्टकम का एक एक लाइन का जल्दी जल्दी हम व्याख्या करेंगे, टाइम नहीं है। काल तो महाप्रभु का वैशिष्ट है, महाप्रभु का जो शिक्षा का वैशिष्ट है अवदान वैशिष्ट दूसरा टॉपिक्स हो जाएगा। आज जो टॉपिक रखा गया बहुत बड़ा लंबा वॉल्यूम्स ऑफ बुक भक्ति विनोद ठाकुर कैन राइट, प्रभुपाद कैन राइट ऑन दिस टॉपिक, हु एम आई टू डिस्क्राइब, इतना छोटी सी समय वो नहीं पाएगा। तो असत्संग त्याग वैष्णव आचार, असत कौन कौन है महाराज, ये लंबा चौड़ा व्याख्या है, थोड़ी सी फॉर्मूला में बता दो। यशित संग एक असत, और कृष्णा भक्तो, कृष्ण अभक्तो, कृष्णाभक्तो स्प्लिट अप करो व्याकरण में, कृष्णों का अभक्त है, कृष्ण का भजन नहीं करता, उतना इजी नहीं है, कितना पावर होने से प्रचार में जा सकता है। प्रभुपाद जी ने दिखाया जो बद्ध जीव किसी भी हालत बाहरी दृष्टि में किसी भी उसका डिग्री है,
बद्ध जीव कभी भी प्रचार में ना जाए। बद्ध जीव अगर प्रचार में जाएगा यही हालत मिलेगा। बद्ध जीव यस, बॉन्डेड सोल को प्रचार में मत जे जाओ। बंदरों का मागी चिल्ला चिल्ली चिल्ला चिल्ली, बॉन्डेड सोल को प्रचार में मत ले जाओ। ले जाओगे उधर जाके उल्टा पल्टा करे, किसको ले जाए? कम से कम मध्यम अधिकारी को ले जाओ, गुरु जी के साथ कम से कम, जिसका आचरण है, कैरेक्टर है, सब सिद्धांत, कम से कम उसको ले जाओ। नहीं तो ऐसा होगा, बंदरों का माफी हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये हमारा सिद्धांत नहीं, प्रभुपाद का। प्रचार में जाए तो जिसका कम से कम ये जो महाप्रभु जी ने शिक्षा दिया, अकारात ओपी भेदव्यम, महाप्रभु जी ने बताए आकार देख के जिसका अंदर में लोभ पैदा होता है, आकारात ओपी भेदव्यम स्त्रीणाम विषयणाम ओपी, महाप्रभु जी ने शिक्षा दिया। महाप्रभु बोला देखो आप अभी बैठा हुआ, अभी भी आपका सामने एक काल सांप को हम छोड़ दे आप भागोगे? अरे सांप आया, भागोगे नहीं? एक सांप को झोड़ी टोकरी से आपका सामने फेंक दे आप भागोगे? क्योंकि आपको जानकारी है क्या डेंजरस है सांप। अरे बाप रे, महाप्रभु ये एग्जांपल दिया। आकार देखने का बाद जिसका अंदर में खूब पैदा होता है, ये एक सुंदरी लड़की है, ये है वो है, उसको मत ले जाओ। विषय व्यक्ति आए इससे थोड़ा फायदा हम ले लेंगे। मापो बोला विषय देखने से हमारा डर लगता है। बापो बताया अरे तुम तो बातें करते रहते हो, स्कूटर में लेके चलते हो। मापो बोला स्त्री नाम जब ही सुनी तब ही विकार पाए मोर तनु मन, स्त्री दर्शन स्थिर रहे वही से कौन जोन। मापो बताया कि स्त्री नाम सुनने का साथ साथ हमारा अंदर में रिएक्शन होता है, और तुम तो मजाक कर रहे हो, बिल्कुल मजाक कर रहे हो, जबकि शास्त्रों का बात है। बहुत सारे कहानी हम बताने जाए तो होगा नहीं। मात्रा शास्त्रा व दुहित्रा न विविक्तासन भवेत, विविक्तासन अवशेत बलग्राम बलवान इंद्रिय ज्ञान विद्वांसमोपी कर सती। किसका बात है? भागवत का बात है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा माँ का साथ, मात्रा शास्त्रा बहन का साथ, लड़की का साथ, फिर भी निर्जन स्थान में नहीं बैठना। एक बड़ा विद्वान उसका भी दिमाग खराब हो जाए, कभी हो जाए। सुबह में पूछा था ना, ये उत्तर है महाप्रभु का शिक्षा। कुछ भी हो सकता, तुम्हारा दिमाग का कोई ठीक नहीं, तुम माया में हो। मात्रा शस्त्रा व दुहित्रा न विविक्ता सन अवशेत बलक बलवान इंद्रिय ग्राम विद्यांश मोपी कर सती। बड़ा बड़ा विद्वान उसको खींच लेता है, फेंक देता है भूमि पे। महाप्रभु जब चैतन्य महाप्रभु जब नीलाचल धार में लीला कर रहे हैं, उस टाइम में एक दफे एक गुर्जरी राग में वो सुंदर एक पद कीर्तन आया। कौन गा रहा है महाप्रभु का पता नहीं, शब्दों आ रहा है वो चटक पर्वत सा ओर से। महाप्रभु अचानक दौर लगाया, अरे कौन गा रहा है? यो भी गीत गोविंद का गीत, इतना मीठा गीत, पागल हो जाएगा लोग। महाप्रभु दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, और पीछे से गोविंद सेवक दूर रहा, प्रभु प्रभु रुक जाओ रुक जाओ प्रभु, ये कोई माताजी कर रहा है। प्रभु हवा का माफिक दौड़ रहा है, जब सुना माताजी का था बस जैसे पैर पूरे लोहे का पैर बन गया, चल नहीं रहा। थोड़े देर से चुपचाप रहा, उसके बाद गोविंद को आलिंगन किया, गोविंदो आज तुमको आप तूने मेरे रक्षा किया, मेरा इज्जत चला जाता, ये कोई माताजी गा रहा है, हमने तो दौड़ा उसको आलिंगन करने के लिए, क्योंकि ये जो गया इसका दान जो दिया उसको आलिंगन करना चाहिए, मेरा बात तो फोटी कोरी नहीं है। धीर समीरे ये जो कीर्तन है सुंदर, ये ना ही गाना चाहिए, ना ही गाना ही ठीक है इस परिवेश में। हाँ, ये गीत गोविंद का पद है, बहुत सुंदर।
और इसमें महाप्रभु दौर लगाया। फिर महाप्रभु ने शिक्षा दिया, गोविंदो आज तेने मेरा जीवन को रक्षा कर दिया, जीवन को रक्षा कर दिया, नहीं तो मेरा संन्यास खत्म हो जाता। संन्यास तो तब खत्म हो जाता जो लड़की का ओर देखा, अरे कुछ करने का तो बात दूर की है, सिर्फ देखा नजर उठा के गंदा दृष्टि से। संन्यास इज ए वन काइंड ऑफ रिजोल्यूशन, यू कैन ब्रेक एनी टाइम एनी मोमेंट। संन्यास एक रिजोल्यूशन, प्रतिज्ञा, तुमने प्रतिज्ञा तो निभाया नहीं, कितना जोशी संग तुमने कर लिया और बोल रहे हो मैं सन्यासी हूं। जो भी है देखो, बात यह है छोटा हरिदास जी क्या किया था। छोटा हरिदास को भगवान दास जी ने भेजा, महाप्रभु आज हमारा इधर प्रसाद पाए, तो माधवी देवी दासी का पास जाके एक केजी एक मान चाल मंगेला, उसका पास फाइन चाल है, चावल, इतना ही तो किया। महाप्रभु जी ने आया, प्रसाद भी पाया, प्रसाद का प्रशंसा भी किया, आहा हा कितना सुंदर, साक्षात कृष्ण खाया होगा जरूर। प्रसाद पाया और फिर इतना पूछा भगवान दास जी को, ये चाल कहाँ से मिला। बोले ये चाल माधवी देवी दासी का पास हो हमने मंगाया। किसने जाके मांग कर लाया, किसने मांगा था, मांगने के लिए कौन गया, सब जानता है अंतर्यामी है, कौन मांगा था, मांगने के लिए कौन गया। बोले छोटा हरिदास को, ठीक है। अब घर में चला गया, गंभीरा मंदिर में आके गोविंद को बोला, गोविंदो मेरा बात ध्यान दे, क्या चीज है ठाकुर जी। बोले आज से छोटा हरिदास का इधर गेट बंद, बाहर रहे, ये आज्ञा का पालन ना करे तो हम इधर नहीं रहेगा, बी केयरफुल, हरिदास का गेट बंद है, माय गेट इज लॉक्ड, उसका लिए खुलेगा नहीं। सब भक्तों हंगामा मच गया, सब आया ठाकुर जी के सामने, बोला क्या क्या हो गया, कुछ तो बताओ, पूछना नहीं, कुछ बात पूछना नहीं, सर्वमोटे जज जो आया, काशी मिश्र सब आया, पूछना नहीं, अगर पूछोगे तो हम चले जाएंगे, तुम रहो। अरे ना ना ना, आप रहो। छोटा हरिदास क्या किया ठाकुर जी, क्या किया, किसी को जवाब नहीं दिए, क्या किया ठाकुर जी खुद जानता है। अपना गणों को महाप्रभु सावधान कर दिया, जो लाखपति ना है उसका हाथ में मैं खाता ना हूं, इसका माने क्या है, जो लाख नाम नहीं करता है उसका पानी हमारा चलता नहीं, वो अगर पानी दे, खाना भोजन दे, रसोई करे, चलेगा नहीं, वो भी वास्तव लाख नाम, ये तो महाप्रभु का शिक्षा। लाखपति जो है, माँ हम तो लाखपति नहीं है हमारे पास, अरे लाखपति का मतलब समझा, जो लाखों नाम करता है बहुत आनंद से, वो लाखपति है, वो ना करे वो उसका पानी चलेगा नहीं, खाता नहीं मैं, तो तुम कुछ भोग लगाओ, पोपा जी का शिक्षा करना पड़ेगा। हरिदास ठाकुर का क्या हो गया, पूरा एक साल महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर के आने नहीं दिया, बिल्कुल कोई बात बोले आप बिल्कुल चुप हो जाओ, उसका बारे में कुछ नहीं बोलना, हम सुनना नहीं चाहते, उठाओगे तो हम चले जाएंगे। अरे राम राम, रहो रहो, ठीक है हम बताएंगे। बाद में जब छोटा हरिदास देखा कि एक साल हो गया ठाकुर जी का कोई करुणा मेरा ऊपर नहीं बरसे, तो ये शरीर रखे क्या करे। छोटा हरिदास बड़ा कीर्तन किया करते थे, ठाकुर जी को संतुष्ट करते थे। छोटा हरिदास का कीर्तन महाप्रभु का इतना प्यारा, कीर्तन करते थे वो छोटा हरिदास। एक साल अपेक्षा करने का बाद देखा प्रभु का करुणा मेरा ऊपर नहीं हुआ, ये शरीर हम नहीं रखेंगे, ये आत्महत्या नहीं। छोटा हरिदास पूरा चला गया इलाहाबाद, त्रिवेणी संगम में जाकर अपना शरीर को उसमें समाधि कर दिया, पानी में, गंगा यमुना सरस्वती श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नेता चैतन्य चरण चिंता करते करते सोड़। ये कोई आत्महत्या वाला बात नहीं है, इट इज़ नॉट सुइसाइड,
आश्चर्य का क्वेश्चन करता है जो सुना ही नहीं तू जिंदगी में। हमको बोला महा महाराज कोई फ्रीडम फाइटर का क्या गति होगा। अरे हम उत्तर दे तो हंसते रहता है, ठीक फ्रीडम फाइटर का भी गति उतना खराब नहीं होगा क्योंकि देश माता के लिए दिव्य गति तो नहीं मिलेगा लेकिन ऊंचा जाएगा। तो कौन बताएगा तुमको, लेकिन भक्तों बनने के बाद हर बदमाशी करोगे तो उसका गति क्या मिलेगा, प्रभुपाद जी से सुन लेना। महाप्रभु कभी खराब खमा नहीं करे। और त्रिवेणी संगम में जाके अपने को सलील समाधि दे दी, गंगा जमुना सरस्वती का बीच में दे दिया। महाप्रभु एक साल हो गया, एक साल दो महीना हो गया, एक दिन महाप्रभु पूछ रहा है गोविंदो हरिदास ठाकुर का कोई खबर नहीं कहाँ है, सब जानता है अंतर्यामी भक्तों लोगों बोझे हरिदास ठाकुर का कोई छोटा हरिदास का कोई खबर नहीं मिल रहा है, क्या बात है। बोले प्रभु का कहे छोटा हरिदास आपको कृपा नहीं मिला तो तैयार कर लिया वो पूरा हर वो उधर चला गया त्रिवेणी संगम में और पानी में आपका चरण चिंता करके अपना शरीर को सलील समाधि दे दी। महाप्रभु मुस्कुराया। अब बोले जोशित संगेर है वही से प्रायश्चित्त, जोशित संग अगर करे उसका दिस काइंड ऑफ एक्सपायरेशन प्रायश्चित्त करना चाहिए। ठीक ही किया, चलो कोई बात नहीं। अरे साक्षात भगवान सब जानता है, ठीक ही किया, जोशित संग करे तो उसका यही पनिशमेंट होनी चाहिए ना। वो छोटा हरिदास गंधर्व रूप पकड़ लिया, गंधर्व जोनी मिल गया क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के चरण पकड़ के चले, गंधर्व जोनी लेकर सूक्ष्म रूप से चैतन्य महाप्रभु सामने कीर्तन सुनाता है। समुन्दर का किनारे महाप्रभु, रात चांदनी है, चांदनी का रात, महाप्रभु उसका जो गण है नीलाचल में, स्वरूप गोसाई राय रमन सब जा रहे हैं, दूर से सुना कोई सुंदर मीठा कीर्तन कर रहा है। अरे सबने आपस में बात की, क्या है ये, तो छोटा हरिदास का कंठस्वर लगता है। अरे छोटा हरिदास वो आत्महत्या कर दी, वो ब्रह्म राक्षस बन गया, ऐसे सुन रहे। स्वरूप गोसाई ने एकदम चिल्ला गया, धप फालतू बात करते हो, स्वर्गो किसी ने इस सिद्धांत बताया, वो ब्रह्म राक्षस बन गया, वो आत्महत्या कर लिया और सूक्ष्म शरीर के द्वारा एक कीर्तन गा रहा है महाप्रभु का रिझाने के लिए, संतुष्ट करने। स्वरूप गोसाई ने एक धमक दिख दिया, दत्त फालतू बातें कर रहा है, जन्म से लेकर महाप्रभु का सेवा कर रहा है, कीर्तन सुनाया और जब शरीर छोड़े तो जाके चैतन्य महाप्रभु का सेवा प्राप्ति करने के लिए निश्चय करके चरण ध्यान करके शरीर छोड़ा। इसमें क्या असद गति होता है, ब्रह्म राक्षस बन गया, गंधर्व माना होगा वो, किसका किसी का देवता है, गंधर्व भी ऊपर ऊपर लोग में रहता है, गंधर्व किन्नर चारण सब है, कोई गीत गाता है, कोई नाचता है, सब है ऊपर, गंधर्व का रूप, गंधर्व लोग का गाने का स्वभाव है। स्वरूप गोसाई जी ने इतना धमकी दे दिया, पूरा हमारा खानदान का, पूरा खानदान का महाप्रभु से लेकर आज तक ये खानदान में महाप्रभु खुद स्वरूप गोसाई को टॉप मोस्ट अथॉरिटी दे दिए। ये सब कहानियां बताने जाए तो हो जाएगा, बैठे रहोगे पूरा दिन हो जाएगा, कितना बज गया घड़ी देखने का दरकार नहीं। महाप्रभु खुद स्वरूप गोसाई के टॉप मोस्ट अथॉरिटी बना दिया। जो आचार्य जो व्यक्ति स्वरूप गोसाई का बात ना माने उसको पोतित आचार्य माना जाएगा। स्वरूप गोसाई का अथॉरिटी दे दिया, कौन महाप्रभु स्वयं, कब दिया कैसे दिया सब बताएंगे बाद में। जो महाप्रभु का आदेश है, स्वरूप गोसाई को उल्लंघन करने का हिम्मत, स्वरूप गोसाई को उल्लंघन करने का हिम्मत सनातन को भी नहीं, रूप को भी, किसी का नहीं आज तक, किसी पैदा हुआ नहीं जो स्वरूप गोसाई को उल्लंघन करके कुछ करे। जो स्वरूप गोसाई को टॉप मोस्ट अथॉरिटी बना दिया पूरा खानदान गौड़ीय समाज का, यू आर द सोल अथॉरिटी, जो भी सिद्धांत जो भी विचार जो भी आचरण शुड बी टेस्टेड बाय यू। प्रभुपाद जी ने बताएं
कोई भी सिद्धांत तो बताए, कोई भी आचरण करे, और स्वरूप स्वरूप गोसाई का जो कसौती है सिद्धांत का, उसमें पास हुआ कि नहीं। फॉलो माय पॉइंट। पौपा जी ने बताया है, कोई भी कोई सिद्धांत बोले, कोई आचरण करे, कोई वक्तृता दे, कुछ भी करे, लेकिन वो स्वरूप तुरंत स्वरूप गोसाई का जो कसौती है, सोने का दुकान में आता इतना परसेंट सोना है, स्वरूप गोसाई का जो कसौती है पत्थर, उसी में घिस के वो टेस्टेड होगा, तब महाप्रभु अप्रूव करेंगे, नहीं तो नहीं। चाहे तुम दुनिया का सम्मान ले लो, अमेरिका जाओ, रसिया जाओ, माला पहनो, कुछ भी करो, प्रभुपाद अप्रूव नहीं किया, भक्तिविनोद ठाकुर अप्रूव नहीं किया, तो कुछ फल नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा। अब जसी संग कौन है, इसका थोड़ी सी व्याख्या कर दे, कभी समय मिले तो ज़्यादा करे। जोशित संग का मतलब है एंजॉइंग मूड। इफ यू हैव योर एंजॉइंग मूड, एनी काइंड ऑफ एंजॉइंग मूड, आपका पास से तनख्वाह मिलता है, कुछ ब्राइब मिलता है, ऊपरी मिलता है, ये सब आपका क्या आपको मारने वाला है, क्योंकि आपका खिंचावट है उसमें, समझा मेरा बात, उसमें आपका दिलचस्पी है, आकर्षण है, किसी भी वस्तु, जो वस्तु में आपका आकर्षण है वही आपके लिए जोशित बन जाए, समझा नहीं। जैसे कोई माताजी है, उसका लिए कोई नौजवान लड़का बहुत पसंद है, ये लड़का का ऊपर मेरा खिंचावट है, तो वो माताजी जोशित संगी है, वो माताजी का लिए वो जोशित संग बन जाए, महाप्रभु लात लगा के उसको फेंक दे, या भाग कहाँ कहाँ आया है, समझा। जोशित संग ये मायावादी लोग समझेगा नहीं, मायावादी लोग। पौपाद वैष्णव कौन है, एक लाइन में बता दिया, कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी छड़िया छे जा रे, सही तो वैष्णव, कोई पृथ्वी का आचार्य जो आज तक एक लाइन में नहीं बताया, कनक कामिनी, कनक माने सोने दाने घर बार जितना, कनक कामिनी प्रतिष्ठा भागिनी, प्रतिष्ठा हमारा आचार्य का सीट मिलेगा, मिलेगी, हमको सम्मान करे, आएगा सब गुरु जी करके, बस हो गया। रघुनाथ दास गोस्वामी लिखा है, प्रतिष्ठा साधृष्टा सपच रमनी मेरे दिन टेत। रघुनाथ दास गोसाई, जितना प्रतिष्ठा है, कामिनी कांचन है, सबसे डेंजरस है प्रतिष्ठा। जो संत महात्मा प्रतिष्ठा के लिए हरि कथा बोलता है पब्लिक को, चाहे वृंदावन में बड़ा बड़ा कथाकार, सब मरेगा, पब्लिकों को रिझाने वाले हरि कथा, अरे थोड़ा कीर्तन बन जाए, नाचो कूदो, मैया लोग भी नाचो, महाप्रभु ने शिक्षा दिया दिया ना, नाचो खूब अच्छा है, सिखाया ना तुम्हारा बहुत अच्छा। महाप्रभु ने बताया, दारू प्रकृति हरे मनोरूपी मौन, ये जो गारमेंट का सब में किसी मॉडल बना हुआ है लड़की का, उसमें वो सुंदर साज गुज के एक ड्रेसिंग कर दिया, महाप्रभु बोल रहे हैं ये दारू प्रकृति उडन बना, उडन का महाप्रभु ने ये सिखा दिया, दारू प्रकृति हरे मनोरूपी मौन, दारू का बनाया हुआ फिर भी मुनि ऋषि भी उसमें पिघल जाए, बिल्कुल सावधान, विद्वांसोमो पिकर्षति, ये कोई सैटरडे क्लब नहीं है, माताजी भी आओ हम भी नाचे, हरी बोल, कितना वृंदावन में नामी दामी सब बदमाश है आचार्यों का रूप में, कुत्ता बिल्ली का गोती मिला, मिला नहीं न्यूज़पेपर में आया नहीं, सब आया, नाम बोलने का दरकार नहीं, सब आया, मरो तुम, मरोगे पूरा खानदान लेके मरोगे, पूरा खानदान, एक संत मरता है ना सब उसका फॉलोअर को लेके मरता है, सब मर, बताया था ना उस दिन शास्त्रों का वचन बताया, शास्त्रों का उसे प्रमाण दिया था ना, जो व्यक्ति न्याय रहितम अन्यायेन श्रृणोति य, बताया था ना, जो अन्याय बात बोलता है शास्त्रों के खिलाफ, जो सुनता ही है वो नरक में जाएगा पूरा अनंत काल के लिए। अब सुनो हरि कथा खूब सुनो, नाचो खूब, जाओ। महाप्रभु का शिक्षा में ये आती है, मायावादी लोग सबसे बड़ा जोशी संगी है,
बड़ा वैराग्य खोल के रखा है, वैराग्य का दुकान खोल के रखा। अरे हमारा मार्केट में कितना वैराग्य चल रहा है, हम जोशित का कोई मैया का मुख तक नहीं देखते। अच्छा, खूब अच्छा है, लेकिन तुम सबसे बड़ा जोशित संगी हो। अरे कैसे, हम तो लड़कियों के साथ बातें नहीं करते, वैरागी है बड़ा। बस तुम्हारा जब प्रतिष्ठा का भावना है तो ब्रह्मो बन जाओगे, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट डेंजर फॉर यू। ये फांसी का फंदा है तुम्हारा, ये प्रतिष्ठा जो है ये भी जोशी संग है। कोई संत महात्मा प्रतिष्ठा के पीछे दौड़े, ये भी एक किस्म का जोशी संग है। भावना समझा मेरा बात? जोशी संग मतलब किसी वस्तु, व्यक्ति, किसी टाइटल, किसी में तेरा आकर्षण है, खिंचावट है, यू हैव एंजॉइंग मूड। प्रतिष्ठा भी बहुत सारे महात्मा प्रति मर जाने के बाद मेरा मान नाम बना रहे। अरे बना रहे कि क्या करेगा तू, मेरा नाम बना रहे, बड़ा प्रेम मंदिर बना के गए, जाओ उस प्रेम मंदिर पे, सर नंगा नाच हो रहा है, प्रेम मंदिर, यही तो प्रेम है, महाप्रभु ने यही सिखाया ना, जाओ प्रेम मंदिर में। नाइट टाइम में क्या होता है, कुत्ता बिल्ली का सोसाइटी बन गया, तो भजन करने आए, ऐसा ही चल रहा, क्या करे, कौन रोके। पौपात का ओरिजिनल जगह में हंगामा हो रहा है, कोई आचार्य का जवान में कुछ नहीं आता। अरे सब आओ एक साथ, इसको बचाओ, पौपात रो रहा है। तुम बोले अपना गुरु जी का मठ को देखेंगे, अपना मठ बनाओ, गुरु जी का समाधि बनाओ। अरे पौपात रो रहा है उधर, देखो जाके पौपात का क्या हो रहा है, पौपात का क्या हो रहा है जाके देखो, कभी मंगल नहीं मिलेगा इस समाज का, कैसे मिले। पौपात रो रहा है उधर, क्या फॉलो व्हाट आई मीन टू से। ओ सब बोला अपना अपना मठ को देखा, ठीक है गुरु जी का बना। प्रतिष्ठित मंदिर को तोड़ना किसी विधान नहीं है, प्रतिष्ठित मंदिर को तोड़ना किसी जगह विधान नहीं है, किसी जगह विधान नहीं है प्रतिष्ठित मंदिर को तोड़ना। अमंगल ही अमंगल चारों ओर, मंगल का रास्ता कैसे खुले। महाप्रभु का शिक्षा में ये आता है, बहुत सारे गुप्त रहस्य है, भजन का बहुत सारे मसला है, लेकिन अभी समय नहीं है, थोड़ी सी शब्द में सुन लो। महाप्रभु शिक्षाष्टक उसका व्याख्या भक्तिविनोद ठाकुर प्रभुपाद के द्वारा, ये गुरुवर्ग का ये देखने चाहिए। अब मेरा पास टाइम नहीं है, आपने देरी करके कीर्तन कर दिया है ना, हमने बोला थोड़ा पंचतत्व तो महामंत्र करके छोड़ दो, क्योंकि टाइम नहीं है, हम तो चले जाएंगे, कीर्तन तो तुम्हारा होगा, कीर्तन में तो कोई रुकावट है नहीं। एक आदमी रहे इसका सब नहीं बताए, ये सुनने के लिए आए तो टाइम पे आया करो। हम वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो आपका दुकान बंद करके आओगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, कोई भी किया होगा हम करेंगे नहीं। तुम ऑफिस बंद करके, कचोरी बंद करके दुकान में फिर आओगे, हम भोजन का व्यवस्था नहीं करेंगे, मैदान में बैठ के कथा बोल, तुम्हारा इच्छा है तो आओ नहीं तो जाओ चलो, हम ये फैसिलिटी नहीं देंगे। आना है तो टाइम पे आओ, नहीं तो जाओ चले जाओ, सुनने का दरकार नहीं। हाँ कथा सुना उसमें और भी डेंजर है, पहले से सुना नहीं अब क्वेश्चन कर देगा, पहले से शुरुआत से सुनो, है ही नहीं सुनने वाला, कोई आएगा कैसे। महाप्रभु का शिक्षा स्टॉक का थोड़ी थोड़ी हम टच करके जा रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं है। महाप्रभु ने 8 श्लोक रचना करके गए, उसका अंदर में संबंध विद्य प्रयोजन, सनातन धर्म का, भागवत धर्म का भरपूर संपत्ति है टोटल। समझा मेरा बात, क्या बोला, हाँ उसका अंदर में है। पहला तो बता दिया, पहला 2-3 श्लोक इसमें परिस्थिति वर्तमान अवस्था, जैसे हमने बताया अहन्यानी दिनानी से जो बोला ना, अन्यानी भूतानि गच्छन्ति यो जमालयम्। महाप्रभु जो बात देके शुरू किया था प्रभुपाद जी का, जगत जल रहा है, एक दूसरे का लड़ाई लग रहा है, इसी बात को महाप्रभु पहला सुख में बताया। चेतो दर्पणमार्जनम भवो महादग्नि निर्वापनम श्रेय कौरव चंदिका वितारणम विद्यावधुर्जीवनम आनंदन बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामित्वा स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। काल इसका हेडिंग आएगा, परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये जो 2-3 शब्दों में हम कह दें, ज्यादा समय नहीं है, चेतो दर्पण मार्जनम
आपका आपका जो चित्त है इसको मार्जन करने का दूसरा कोई रास्ता है नहीं। वास्तव साधु संग करो, संकीर्तन सुनो, और दूसरा रास्ता नहीं है। चेत दर्पण मार्जनम, जैसे एक दर्पण का हुआ ऊपर बहुत दिनों से बेल्जियम ग्लास, बहुत दिनों से धूला मैला, आप आईना को उठाए हमारा मुख नहीं दिख रहा है, कुछ दिखता नहीं, अरे दिखेगा कैसे, साफा करो, बेल्जियम ग्लास है बहुत उत्तम, उसको साफा कर, मैं ठीक है हमारा अब तो सकल दिखता है, हो गया। ये उदाहरण महाप्रभु ने दिया, चेत दर्पण मार्जनम भव महादभग्न निर्वापनम, और ये दुनिया में आग जल रहा है, फॉरेस्ट फायर, ये आदमी का जंगल है, ये कोई जलंधर सिटी नहीं है, कलकत्ता सिटी नहीं है, ये जंगल है, आदमियों का जंगल, इसका अंदर में लड़ाई चल रहा है, आग चल रहा है, जैसे फॉरेस्ट फायर होता ना, एक वृक्ष का घर्षण हुआ बस आग जलते रहे, ये हो रहा है समाज में। चेत दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को मार्जन करो, कैसे, बोले चेत दर्पण मार्जनम भव दवाग्नि निर्वापनम, ये इस जगत में जो आग जल रहा है उसको बुझा पाओगे, भव दवाग्नि निर्वापनम। आश्रेय कैर्व चंदिका वितरम, अपना श्रेय प्रेय दो विचार है उसका टॉप मोस्ट चीज मिलेगी, श्रेय कैर्व, इसका व्याख्या बाद में हो पाएगा, अभी होगा नहीं, श्रेय कैर्व चंदिका वितरम विद्यावधुर जीवनम, सब मिलेगा। आनंद अनुमुदि वर्धनम, तुमको समुन्दर में तैरने का सुजग मिलेगा। संसार सिंधु त्वरणे हृदय यदि साध संकीर्तनामृत रसे रमते मनोश्चे प्रेमां बुधौ विहरणे यदि चित्तवीति चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम चैतन्य चंद चरणे कुरुतानुरागम। ये सागर में तुमको फेंक दिया जाएगा तो तुम डूब जाओगे, और जो सागर मैं कह रहा हूँ प्रेम का सागर, इसमें तुमको फेंक दिया जाए तो तुम तैर जाओगे, वो सागर में तुम डूब जाओगे, इस सागर में तुम तैर जाओगे। संसार सिंधु उत्तरण हृदयम यदि साथ, अगर तुम्हारा हृदय लगता है तो संकीर्तनामृत रसे रमते मनुष्य, तुम्हारा मन को संकीर्तन में रमा दो, हरि कथा में, बस हो गया, बेरा पार हो जाए इजिली, वेरी चुटकी। तो चेतो दर्पण मर्जनम भव महादभग्नि निर्वापरम सेव कैरव चंदिका वितरण विद्यावधुरीवनम आनंदानुदिवर्धनम, आनंद का सागर बढ़ते चलेगा, आनंदानुदिवर्धनम पूर्णामितो आस्वादनम सर्वात्म स्नवनम, तुम्हारा पूर्ण आत्मा का स्नान हो जाएगा, जिसका बाद कोई मैला नहीं रह जाएगा। जैसे ऊपर है ना, एक जगह है पूरा, ये जो भुवन है ऊपर, भूर भुव स्व महो जनो तपो सत्य सब पार करोगे, फिर भी पार होना मुश्किल है, ब्रह्मलोक तक जा भी पतन हो जाएगा, क्योंकि उसका बाद बीरोजा है, चिन्मय जल राशि अनंत, बीरोजा नाम कैसे आ गया, बीरोजा ये नाम कैसे पड़ गया, जानते हो बीरोजा, बी राजा मतलब विगतो राजा, जितना मैल है उसको धुलवा के फिर ऊपर ब्रह्मधाम को क्रॉस करके फिर गोल वैकुंठ धाम मिले, बी राजा तुमको स्नान कराया जाएगा, जितना भी सारा गंदगी है थोड़ा डाइटिस नहीं चलेगा, गौड़िया मठ में डाइटिस नहीं चलेगा, तुम अगर करो तो भक्तिविनोद ठाकुर अपना परिचय दिया है, जो झाड़ूदार भक्तिविनोद ठाकुर अपना परिचय दिया है, जगत का जितना मैला तुम मठ में लाओगे, अरे मठ को साफा करो कीर्तन करके, तुम उल्टा कर रहे हो, जगत जंजाल भक्ति में ठाकुर ने पूछे स्वीपार नाम हट का मैं झाड़ूदार हूँ, जितना हो रहे झाड़ू लगा के बाहर फेंको, अरे जंजाल को क्यों ला रहे हो अंदर, तुम्हारा बुद्धि खराब हो गया। तो इधर जो है चेतो दर्पण हो गया, थोड़ी शब्द में हम बताएंगे उसका बाद क्या है, चेतो दर्पण भवन उसका बाद नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्तार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतदिशि तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव इदिशम मिहाजुनिना अनुरागा। थोड़ी सी एक लाइन में बता दे, ठाकुर जी आप सारे शक्ति नाम के अंदर दे दिए, उसमें काला काल विचार नहीं, शुद्ध अशुद्ध विचार नहीं, फिर भी मेरा तकदीर खराब है, नामों में रुचि नहीं हो पाता, हो गया थोड़ी सी शब्दों में।
उसका बाद क्या हुआ, तीसरा श्लोक में तीनाद विशुनिचे नौ तरुण विशेषणा अमनिन मनदिनो कीर्तनियो सदा हरि, हरि कथा बोलने का दैट इज द क्वालिटी एंड क्वालिफिकेशन। बाहर में दिखाए हम दैन्य है एकदम महाराज दंडवत, अंदर में कपट, कुछ नहीं होगा। त्रिनाद भी कौन है इसका व्याख्या हो पाएगा, कभी समय दो तो। तीसरा श्लोक यह है ना, कब हरि कीर्तन करने का योग्यता उदय होता है, व्हेन यू कैन एक्चुअली सिंग हरि कथा हरि कीर्तन, कब, ये कंडीशन है। हो गया, तीसरा श्लोक तक ऐसा बता दिया, उसका बाद संबंध का जागृत हो रहा है। न धनम न जनम न सुंदरी कविताम ब जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मेश्वरे भवतात् भक्ति रहितु कित्वी, इधर संबंध गना आया। अभी चेत दर्पण ये जो है तीन श्लोक कंडीशन बताया सारे, से जगत का कंडीशन, भगवान ने क्या क्या पावर दिया, तुमको क्या होना चाहिए तो नाम होगा, उसका बाद सोल्यूशन, फिर पहले बताया गया संबंध ज्ञान, क्यों हम ये जगत का कोई न धनम न जन्म न सुंदरी कविधाम जगदीश कामये, तो क्या चाहते हो, मम जन्म जन्म सरे भवतात् भक्ति रहितुकी तई, आपका चरणों में मेरा निर्मल भक्ति तरे, कोई अहेतुकी भक्ति, कोई कारण नहीं है, ठीक है। न धनम न जन्म न सुंदरी कविताम जगदीश कामये मम जन्म जन्मेश्वर भवतात् भक्ति रहितु कि तु ऐ नंद तनु जगिंगरंग पतितंग मांग विषय भवाम मुदौ कृपया तव पाद पंकज स्थित होलि धूलि सदृशम विचिंतु, आपका चरण का धूलि सदृश मान लो ठाकुर जी, हमको उठा लो, हम डूबा हुआ है। उसका बाद क्या है, कंडीशन क्या है, उसका बाद नयनम गलद सुधारया बदनम गदगद रुद्धया गिरा पुलकैर निचितम बपु कदा तब नाम गहने भविष्यति। ठाकुर जी कब हमारा ऐसा कंडीशन हो कि एक एक नाम हरे कृष्ण करे तो पिघलते चले, आंखों से बरसा धारा, भजन रहस्य देखना, इसमें सब आएगा। जुगाई तम निमेषेन चक्षुषा पब्रिषितम सुन्नयितम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमे, ये सात नंबर श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु। अंतिम में जो है उसमें बड़ा सुंदर आश्लिष्व पदर्थाम मिनपिनास्तुमाम अदर्शनाद मरमाहतम करुतु वा यथा तथा विधातु लंपट मत्पन सस्सु स एव नापरा। इन एनी कंडीशन आई एम पुटेड इन टू, किसी भी हालत में ठाकुर जी हम आप हमको रखे हो, ये निश्चित हमारा मंगल के लिए ही होगा, कोई डिसटिस्फेक्शन नहीं चलेगी, असंतोष, ठाकुर जी रखा है, मेरा कर्म फल है, इसमें ही भजन बनेगा। हमको एसी घर दिया जाए, खाना पीना आए तब हम नाम कर सके, लेक्चर दे सके, ये कौन सी जगह का नियम। किसी महाराज को हम बोला एक काम करो, तुमको हम एसी घर में रख देंगे, तुम्हारा कपड़ा वपड़ा सब हम धो देंगे और प्रसाद भी आपका अंदर लेके हम पहुंचा देंगे, ठीक है, बर्तन भी ले आएंगे, आचमन भी करा देंगे, हम सब करा देंगे, आप बोलो आप हरिनाम कर सकोगे। वो बहुत चिंता करके बोला नहीं ऐसे नहीं होगा, हमारा कुछ भी फैसिलिटी दे दो हरिनाम नहीं होगा, हम सब कर देंगे, उसका कपड़ धो देंगे, बर्तन धो देंगे, सब कर देंगे हैं, लेकिन बैठे बैठे प्रसाद मिलेगा, करो हरिनाम करके दिखाओ, उतना ईजी नहीं है हरिनाम। अगर ऐसा चीज होता तो कोई भी कर लेता, कृपा सापेक्ष है, जब तक पूर्ण कृपा ना मिले तब तक हरिनाम असंभव। हरिनाम कैसे गए, माला झोला लेके फिरोगे, माला तो डेकोरेशन है, माला डेकोरेशन सब कुछ डेकोरेशन है, हरिनाम उसका बाद ये जो तुम्हारा दीक्षा का मंत्र जप, तीन दिन दीक्षा का मंत्र लगातार ना करो पतित हो जाओगे। जिंदगी में सुना ही नहीं किसी क्या किया है लो, तीन दिन लगातार बंद कर दोगे मुश्किल,
वो कि क्रिटिकल सिचुएशन हो गया हॉस्पिटल में, वो अलग बात है, उसका लिए कोई जप कर देगा। अगर स्वामी असुस्थ है तो स्त्री उसका लिए जप कर दे, अगर संभव है कोई भी है उसका लिए मंत्र जप कर उसको फल दे देगा, नहीं तो होगा नहीं। बहुत सारे नियम है, कौन सुने, जो भी है अब क्या बताए। पहला जो श्लोक दे के शुरू किया उसका ही व्याख्या हो नहीं पाया, रात हो गया। कोई बोल लो नरकायते तिदस पूरा काश पुष्पायते दुर्दांत इंद्र काल सर्प पटली प्रख्यात दंशायते विधि महेन्द्राद्य किटायते विश्वम पूर्ण सुखायते जत कोरोना कटक्ष वैभवतम तं गौरमेव अस्तुमह वांछा कल्प द्रव्य के पास पथितान पावन वैष्णव्यो नमो नम। हरे कृष्ण। जैसा कि हम लोगों ने विश्वास किया कि बहुत ही हम सबके लिए भाग्य की सौभाग्य की बात है कि महाराज श्री ने 2 अक्टूबर को यहाँ पे पदार्पण किया और कल जो है वो महाराज जी के यहाँ पे प्रवचन होने के बाद आगे प्रस्थान होगा। हम लोग परसों महाराज जी के रूम में गए प्रार्थना की कि महाराज अगर हो सके 2-4-5 दिन हमें अभी और मिल जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। महाराज ने कहा कि हमें जो है वो ऑलरेडी प्री प्लान जो है वो वृंदावन में है कार्यक्रम, उसके बाद अगरतला में कथा है, वहाँ पे जाना है। तो महाराज जी से उसी दिन उनके श्री चरणों में सभी कमेटी के मेंबर्स की तरफ से रिक्वेस्ट की गई थी कि महाराज जी जब भी कभी भी मौका मिले, जब आप फ्री हो 5 दिन 10 दिन जितने दिन भी आप फ्री हो, तो यहाँ पे कभी भी आप आशीर्वाद हम सबको देने के लिए बता सकते हैं। तो महाराज आपके श्री चरणों में हम सब की ओर से यही निवेदन है महाराज।